हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी से छुटकारा कैसे पाएं। कई बार बदलते मौसम के कारण किसी को खांसी हो जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है। तो आज हम आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहे हैं जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपनी होने वाली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको खांसी सूखी है या गीली है, किसी भी प्रकार की कोई भी खांसी है, तो इस छोटे से नुस्खे के द्वारा आप बहुत ही आसानी से अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। इस नुस्खे को आपने कैसे तैयार करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, यह सब जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आप इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हल्दी। हल्दी घर पर ही आपको मिल जाती है, और आपको चाहिए शहद। शहद भी हर व्यक्ति के घर पर ज़्यादातर मिल ही जाता है। तो इन दो चीज़ों के जरिए ही आप बहुत ही आसानी से अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। आपने 1 से 2 ग्राम हल्दी लेनी है, और इसके अंदर आपने 1 चम्मच हनी मिक्स करना है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप अपने फिंगर की सहायता से इस प्रकार जरा जरा सा करके दिन में 2 बार चाटेंगे। आपने चाटना है इसका, एक बार में सेवन नहीं करना, निगल नहीं आना, आपने चाटना है धीरे धीरे। अपने फिंगर को जीभ पर लग के इस प्रकार हल्के हल्के से चाटेंगे। तो चाटने के पश्चात आपने ठंडा पानी नहीं पीना या कोई चीज़ नहीं खानी। 15 से 20 मिनट तक आपने तो कुछ भी नहीं खाना, ना ठंडा ना गर्म। उसके बाद अगर आपको कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है तो आप कुछ गर्म पी सकते हैं या गर्म खा सकते हैं। ठंडा का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठंडा पानी या कोई भी चीज़ ठंडी आप बिल्कुल भी ना खाएं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। 1 से 2 दिन में ही आपको इसका फर्क महसूस होगा। आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे इस छोटे से नुस्खे के द्वारा आपकी खांसी कितनी जल्दी ठीक हो गई है। अगर आप शहद के साथ नहीं खा सकते तो आप दूध के अंदर हल्दी डालकर उसे गर्म करें और इसका सेवन करें 1 से 2 दिन में, उसमें भी आपको बहुत जल्दी खांसी में फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।